फ्रेंड्स, माइकलसन इंटरफेरोमीटर प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। आप जानते हो इंटरफेरोमीटर क्या है? जो इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरफेरोमीटर बोलेंगे। ओके, सो यू हैव प्रैक्टिकल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो डिवाइस है उसको हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर बोलेंगे। ओके, नाउ लेट मी से माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या होता है, ये हमने पहले एक्सप्लेन किया। इसी तरह से इसमें क्या है, ये एक M1 मिरर है, एक M2 मिरर है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोडियम एक रंगी प्रकाश है। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स में से ये रेज पहली ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होता है तो उसका क्या होता है, पार्शली ट्रांसमिशन होता है और पार्शली रिफ्लेक्शन होता है। ओके, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे यहां से आगे आया M1 मिरर पर, यहां से अगेन रिफ्लेक्टेड हुआ और इस बिंदु पर आया। यह ट्रांसमीटर रे है, ये यहां से यहां आया M2 मिरर पर, अगेन पर उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन मीन्स यहां इस बिंदु पर से उसका ट्रांसमिशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। ओके, हम विवर्तन बोलते हैं, और यहां से फिर उसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा और ये इस बिंदु पर वापस आया। तो इस बिंदु पर दो रे से ये यहां आते हैं और यहां हमें क्या होता है, इंटरफेरेंस फिनोमेना मिलती है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलती है, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलते हैं, इट इज डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम सोर्स है, ये जो सोडियम सोर्स है उसके क्या बोलेंगे हम, उसके वेवलेंथ डिटरमाइन करेंगे। तो आप पहले देख लो इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर बोलेंगे। तो यहां आप देख सकते हो ये वाला, ओके, ये टेलीस्कोप है, ये वाला टेलीस्कोप है। ओके, ये मिरर M2 है, ये मिरर है, ये जो मिरर है इसको M1 मिरर बोलेंगे, और ये वाला है इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर स्क्रू बोलेंगे। क्लियर? तो इसी तरह से ये M1 मिरर, ये M2 मिरर, यहां टेलीस्कोप, ये जो सोर्स है, इसी तरह से ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर हुआ। तो मैंने इस तरह से आप देख सकते हो कि यहां क्या होगा, टू रेज सुपरपोज ऑन ईच अदर विथ ऑलमोस्ट इक्वल एम्पलीट्यूड, ऑलमोस्ट सेम वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ एंड मिनिमम फेस एंगल प्रोड्यूसेस सुपरपोजिशन एंड दिस प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहां आपको फ्रिंजेस मिलेगी, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी। आप देख सकते हो कि ये साधन है, उसका जो माइक्रोमीटर है, ये जो माइक्रोमीटर है, ये इस साधन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। ओके, ये क्या है, उसका माइक्रोमीटर है। ओके, इसको हम घुमा सकते हैं इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह से घुमाएंगे तो ये जो है यहां से रिंग अंदर से बाहर निकलेगी या अंदर जाएगी। ओके, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिंग्स कमिंग आउट, ओके, फ्रॉम दिस टेलीस्कोप। यहां से पहला जो रीडिंग है जीरो पर, हमने कुछ भी माइक्रोमीटर को किया नहीं है, तभी के हम हिसाब से क्या करेंगे, यह जो माइक्रोमीटर का रीडिंग है हम ले लेंगे। बाद में हम इस स्क्रू को घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे कि यहां से साइमल्टेनियसली हम देखेंगे, ये जो टेलीस्कोप है, ओके, इसमें से साइमल्टेनियसली हम देखेंगे। माइक्रोमीटर को इतना घुमाओ कि इसमें से 20 रिंग बाहर आए। आप देख सकते हो जैसे मैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का स्क्रू एक ही दिशा में आगे बढ़ाता हूं तो सेंटर में से रिंग है वो बाहर निकलती है। तब आप स्टॉप हो जाओ। तो इस तरह से सपोज यहां जीरो पहले का जो रीडिंग था, कोई रिंग अपीयर नहीं होती, पहले शुरुआत में रीडिंग लिया था तो ये माइक्रोमीटर का रीडिंग था। बाद में 20 रिंग है, हमने ये माइक्रोमीटर है वो वेरी किया, तो इस जो टेलीस्कोप है इसमें से टेलीस्कोप है, ये जो टेलीस्कोप है इसमें से 20 रिंग्स है, 20 रिंग्स बाहर आ गई। तो तब भी उसका मैंने माइक्रोमीटर का रीडिंग लिया तो क्या आया, इतना आया। ओके, थर्ड टाइम वहीं से ही शुरुआत करेंगे, 0 20 20 तो इधर रखेंगे और अगेन 20 यानी कि 40 कंपेयर टू दिस 40 रिंग जो बाहर निकली तो ये वाला रीडिंग मिला, 60 रिंग बाहर निकली टोटल 60 रिंग तो ये वाला रीडिंग मिला, अप टू 100 रिंग बाहर निकली तो ये वाला रीडिंग हमारे को मिला। क्लियर? नाउ तो इसका क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स अपीयर कमिंग आउट फ्रॉम दिस टेलीस्कोप।
तो ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, माइक्रोमीटर स्क्रू वाला रीडिंग है, ये वाला रीडिंग, क्लियर उसका। बाद में क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का डिफरेंस ले लो, ये दोनों का डिफरेंस ले लो, ये दोनों का डिफरेंस ये आया, ओके, तो ये दोनों का ये आया, ये दोनों का डिफरेंस ये आया, ये दोनों का डिफरेंस ये आया, ये दोनों का डिफरेंस है ये आया, ये दोनों का डिफरेंस है ये आया, क्लियर। दैट मीन्स शिफ्ट ऑफ माइक्रोमीटर एम वन फॉर 20 रिंग्स एन इक्वल टू 20। नाउ ये फॉर्मूला है, वेवलेंथ ऑफ अननोन सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये जो सोडियम सोर्स है, ये सोडियम सोर्स, क्योंकि वेवलेंथ कैसे हम नापेंगे, इक्वल टू ट्वाइस डी डिवाइडेड बाय एम, इसको हम डी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डी, ये डी है, इसको हम डी बोलेंगे, क्लियर। लेट मी से दिस वन इज ए डी, डी इसको डी बोलेंगे, ओके। सो लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस डी डिवाइडेड बाय एन, तो ये हमने किया, ओके, ट्वाइस डी डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू 20, डी इज द दिस डिस्टेंस, ओके, तो 3800 10^8 सेंटीमीटर हमको मिला, ये है ना, डी की वैल्यू अंदर रखी, एन इक्वल टू 20 रखा, तो बाद में डी इक्वल टू यहाँ इधर रखा 0.0017 रखा, एन इक्वल टू 20 रखा, ईयर मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, तो लेमड़ा की वैल्यू ये मिली, बाद में इस तरह से हमको, तो फाइनली मीन लेमड़ा कितने मिला, 2680 × 10^-8 सेंटीमीटर। इस तरह से मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स है, ओके, उसकी वेवलेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ माइक। अब हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर से डिस्टेंस बिटवीन सोडियम डबलेट, डिस्टेंस बिटवीन टू सोडियम लाइन्स, वो हम फाइंड आउट करेंगे। आपको मालूम है पहली जो सोडियम लाइन है, पहली सोडियम लाइन्स उसकी वेवलेंथ है 5890, दूसरी है 5896 एंगस्ट्रॉम, दोनों के बीच का जो तफावत है, वो तफावत को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा लैम्ब्डा बोलेंगे, वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो माइक्रोमीटर स्क्रू को हम जब वेरी करते हैं, तो ये फ्रेंचिस सपोज ये बाहर निकलती है, ओके, तो ये मैक्सिमम वाली पोजीशन कहलाती है। बाद में और भी हम स्क्रू को आगे बढ़ते और फ्रेंजिस है ना बाहर निकलती बंद होती है, सपोज बाद में क्या होगा, हमको ये स्ट्रेट पोर्शन दिखाई देगा, यहाँ प्रकाशित पोर्शन दिखाई देगा, लेकिन फ्रेंजिस नहीं होगी इधर, ओके, तो ये इधर वाला यहाँ कुछ भी फ्रेंजिस नहीं है, ओके, और ये पोर्शन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, मिनिमा वन बोलेंगे। अगेन वी विल इंक्रीज, वी विल वेरी द माइक्रोमीटर स्क्रू सच दैट अगेन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ए ब्लैक फ्रेंजिस, इसमें अभी और फ्रेंजिस बाहर भी निकलेगी, तो इसको फ्रेंजिस मैक्सिमा बोलेंगे। सो दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा, ओके। अगेन हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू और भी आगे बढ़ते जाएंगे, एक पोजिशन ऐसी आएगी कि बिल्कुल हमें ये फ्रेंजिस नहीं मिलेंगे, तो इसको सेकंड वाला मिनिमा बोलेंगे, सेकंड मिनिमा। तो हम डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमाज लेंगे, मैक्सिमा नहीं लेंगे, क्योंकि हमको कितनी डार्क फ्रेंजिस है वो हम मालूम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम मेनली मिनिमा है वो परफेक्ट हम मेजर कर सकते हैं। सो एक्स टू डिफरेंस एक्स वन, ओके, सो दिस वन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, ओके। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट डेल्टा लैम्ब्डा, डेल्टा लैम्ब्डा मीन्स वी कैन से दैट डेल्टा लैम्ब्डा मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ, टू लाइन्स ऑफ ए सोडियम, ओके। सो वी कैन डिस्कस लाइक दिस, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू डी, ओके। सो डेल्टा लैम्ब्डा मीन्स लैम्ब्डा टू डिफरेंस लैम्ब्डा वन, ओके, लैम्ब्डा टू डिफरेंस लैम्ब्डा वन, ओके, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, ओके, डिस्टेंस बिटवीन सोडियम डबलेट। तो कैसे करेंगे, इसके फॉर्मूला है लैम्ब्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस डी, वेयर लैम्ब्डा इक्वल टू, ये एक्चुअली हमने कन्वेंशनल लिया है 5890 10^-8, यहाँ डालेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट डी। तो हम इधर क्या करेंगे, देखो आप पोजिशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, ये यहाँ पहले फ्रेंजिस थी, अब फ्रेंजिस दिखनी बंद हो गई हमें, तो ये पोजिशन हमने ले ली, ओके, ये माइक्रोमीटर स्क्रू का रीडिंग ले लिया। बाद में अगेन हमको क्या मिली, फ्रेंजिस दिखनी जो बंद हो गई, तो ये हमने ये रीडिंग ले लिया, ओके, फर्स्ट मिनिमा का इधर। बाद में और भी आगे बढ़े माइक्रोमीटर स्क्रू के, तो अगेन फ्रेंजिस दिखी हमने, तो ये मैक्सिमम वाला है, ये हमारे काम का नहीं है। बाद में अगेन
और भी हम आगे बढ़े, स्क्रू वही दिशा में हम आगे बढ़ाते चले स्क्रू को, ओके। तो बाद में हमको ये मिनिमा मिला, आई मीन फ्रेंजिस दिखती हमें बंद हो गई है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, ओके, ये दूसरा रीडिंग है एक्स टू, ये दूसरा मिनिमा वाला, और ये डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमा ये हमको मिला, एक्स टू डिफरेंस एक्स वन, ओके। सो वैल्यू ऑफ सोडियम डबलेट, ओके, आई मीन डिस्टेंस बिटवीन टू सोडियम लाइन्स, ओके, आई मीन डिफरेंस ऑफ ए वेवलेंथ बिटवीन टू सोडियम लाइन्स डी वन एंड डी टू इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस पी, ट्वाइस डी, डी की वैल्यू है ना ये इधर से लगा दी, लेमड़ा की वैल्यू इधर से लगाई, तो हमें डेल्टा लेमड़ा कितनी मिली, 6.314 × 10⁻²⁻⁶ सेंटीमीटर। थैंक यू वेरी मच।